हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल अल्पना साई में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी। इस रेसिपी को खाने के बाद आप मैकडोनाल्ड के पफ पिज्जा खाना भूल जाएंगे। और देखिए दिखने में कितना स्टाइलिश लग रहा है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। वेजी बॉक्स पफ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप जो है आटा ले रखा है। इसको इसमें खाली बाउल में डाल देंगे। उसी सेम कप से मैंने 1/2 कप जो है सूजी ले रखी है, उसको भी इसी में ऐड कर देंगे। अब इसमें डालेंगे हम मोयम के लिए ऑयल, तो मैं ऑयल जो है डाल दूंगी इसमें 1 स्पून तक। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप इस तरह से इस मुट्ठी बनाएंगे तो ये बन रहा था। इसका मतलब जो ऑयल की क्वांटिटी है बिल्कुल सही है। अब इसमें हम पानी डाल के इसको गूंथेंगे। इसमें जो मैं पानी यूज़ करूँगी, हल्का सा गुनगुना पानी यूज़ करेंगे तो जो आपका वेजी बॉक्स पफ है वो काफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट सा बनेगा। तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसको गूंथूंगी। मैंने आटा यहाँ पे गूंथ के तैयार कर लिया है और जो आटा मैंने गूंथा है थोड़ा टाइट रखा है और इस आटे को गूंथने में मैंने 1/2 ग्लास से भी कम पानी का यूज़ किया है। तो इसको मैं ढक के 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दूंगी। पैन यहाँ पे गर्म हो चुका है। अब इसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। ऑयल यहाँ पे गर्म हो चुका है। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून जो है वो जीरा ऐड करेंगे। जीरा को अच्छे से भूनेंगे। अब इसमें ये बारीक चॉप्ड अनियन डालेंगे, 1 लिया है मैंने एक बड़े साइज का। इसको अच्छे से भूनने देंगे और साथ में ही ये मिर्च ऐड कर देंगे। अच्छे से भूनेंगे। मैं प्याज को हल्का सा ही गोल्डन करना है। अब इसमें ये अदरक लहसुन का जो पेस्ट है उसको डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। प्याज आपको हल्का गोल्डन दिखाई दे रहा होगा, हमें प्याज को बस इतना ही भूनना है। अब इसमें ये जो चॉप्ड कम है इसको डालेंगे और इसी के साथ साथ में ये चॉप्ड फाइनली चॉप्ड जो कैरेट है उसको भी डाल दूंगी। इसमें हरी भरी सब्जियां काफ़ी हैं तो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग सब्जियों को ऐड कर सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसी के साथ मैं मसालों को भी ऐड कर दूंगी। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून जो है धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून जो है लाल मिर्च। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं इसको 1 मिनट तक ढक के थोड़ा सा हल्का सा पकाऊंगी। एक मिनट कंप्लीट हो चुका है। अब सब्जियां को जो हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा ही पकाना है। तो देखिए थोड़ा सा हल्का सा पक चुकी हैं। अब इसमें ऐड करेंगे ये मटर, जो मटर मैंने मटर को 80% तक बॉईल कर रखा है। अब इसको मैं इसमें डाल दूंगी। उसी के साथ मैं इसमें ये बॉइल्ड पोटैटो जिसको मैश कर लिया है अच्छे से, इसको भी इसमें डाल दूंगी। आप पोटैटो को मैश की करने की जगह इसको ग्रेटेड भी कर सकते हैं, आपको जो सुटेबल है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसी के साथ मैं इसमें ऐड करूंगी नमक। नमक जो है अकॉर्डिंग टू टेस्ट
ऐड करेंगे। तो मैं नमक इसमें डाल दे रही हूँ। अब नमक को भी अच्छे से इन सब्जियों के साथ मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से पक चुकी हैं क्योंकि हमको इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, तो बस इतना ही पकाना है। अब इस गैस का फ्लेम जो है ऑफ कर देंगे। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून जो है मैदा लिया है। अब इसमें मैं इसको पानी डाल के इसका पतला सा घोल तैयार कर लूँगी। जो मैदे का घोल आपको तैयार करना है इस कंसिस्टेंसी में तैयार करना है बस। आटा देखिए यहाँ पे सेट हो चुका है। इसको एक बार फिर से इस तरह से अच्छे से थोड़ा सा घोल देते हैं। अब इसकी हम लोइयाँ कट करेंगे। हम जो लोइयाँ कट करेंगे वो रोटी की साइज से थोड़ा बड़ी रहेंगी। इसको हमें जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं उसी तरह से इसको बेल लेना है, इस तरह से करते हुए। इसको मैंने देखिए इस तरह से रोटी की शेप में बेल लिया है। अब मुझे इसे स्क्वायर शेप में कट करना है, तो मैं इसे कट करूँगी। अब इसको हम स्क्वायर शेप में कट करेंगे इस तरह से। देखिए कट कर दिया है। अब इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको निकाल के उसी सेम उसमें रख देंगे और इसको फिर से बीच में से सेंटर में से कट करेंगे। इसके 2 पार्ट करेंगे इस तरह से, दूसरे पार्ट को हटा के रख देंगे और इस पार्ट पे हम स्टफ रखेंगे एक तरफ और इसके चारों तरफ से जो मैदे का घोल है उसको लगा देंगे अच्छे से इस तरह से। देखिए मैदे का घोल मैंने लगा दिया है। अब इसका जो दूसरा पार्ट है उसको उठा के उसके ऊपर अच्छे से रखेंगे और चारों तरफ से अच्छे से प्रेस करते हुए इसको दबा देंगे जिससे आपस में चिपक जाए और इस फॉक की हेल्प से इसको अच्छे से सील कर देंगे जिससे ये खुलेगा भी नहीं और फॉक से सील करने से ये थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगेगा और स्टाइलिश भी लगेगा। इसी तरह से जो बाकी हैं उनको भी मैं बना लूँगी। बेकिंग बॉक्स पफ देखिए यहाँ पे बन चुके हैं और मैं यहाँ पे ऑयल रखा है, अब इसको गर्म होने के लिए रख देती हूँ। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है और ये जो पफ हैं अब इसको हम इसमें फ्राई होने के लिए डाल देंगे। देखिए इस तरह से सारे पफ इसके अंदर डाल देंगे। देखिए अब इसको हम पलट देंगे। आपको देखो ये फूले फूले भी दिखाई दे रहे हैं। अब इसको हम दूसरी तरफ पलट देंगे सभी को। अच्छे से होने देंगे। आप देख सकते हैं कि पफ कितने अच्छे से फूले हुए हैं और दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन हो चुके हैं। तो हमें बस इतना ही फ्राई करना है। अब इसको हम निकाल लेंगे। देखिए अच्छे से दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हुआ है और आपको फूले फूले भी दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे मेरी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।